देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने जिला निबंधन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, कई बिंदुओं पर दिए गए दिशा निर्देश। आज भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने जिला निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें विभाग के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार चल रहे कार्यों को बारीकी से देखा गया, साथ ही जो कमियां पाई गई उसे जल्द ही दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने सभी चीजों को बारीकी से नजर डालते हुए कहा कि जिला निबंधन कार्यालय पिछले बार 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रजिस्ट्री और अन्य माध्यमों से प्राप्त किया था। इस बार 240 करोड़ रुपए रेवेन्यू का टारगेट है, जिसे जल्द पूरा करेगी। साथ ही कई मूलभूत सुविधाएं भी निबंधन कार्यालय में विभाग के द्वारा मुहैया कराई जाएगी, चाहे वह कार्यालय के मेंटेनेंस की बात हो या सीसीटीवी कैमरे की। वही जिला अवर निबंधन सब विशेष विभाग पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार बसाक से कई बिंदुओं पर वार्ता की और विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। तो जो यहाँ कार्य कामकाज चल रहा है, जो विभाग का दिशा निर्देश है, उसका अनुपालन किस तरीके से किया जा रहा है, और आप लोग जान भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो है यहाँ होता है इस रजिस्ट्री ऑफिस से। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 200 करोड़ के आसपास जो है रजिस्ट्री से और विभिन्न अन्य माध्यमों से शुल्क प्राप्त हुआ था, रेवेन्यू सरकार को गया था। इस साल का भी जो लक्ष्य है 240 करोड़ का, वो भी प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो भी आवेदक आ रहे हैं, विभिन्न पक्षकार आ रहे हैं, उनको किसी तरह की समस्या नहीं है, वो भी हम लोग उसका भी ख्याल रख रहे हैं। तो और जहाँ जो कमी पाई जा रही है उसमें भी सुधार के लिए DSR को निर्देश दिया गया है। कुछ और CCTV कैमरे जो हम लोगों का जो होल्डिंग स्टॉक होल्डिंग वाला जो ऑफिस खुला हुआ है, जहाँ चालान कटता है, वहाँ और कैमरे लगाने के लिए बोला गया है।